महाराष्ट्र के गोंदिया में एक 10 साल की बच्ची के पेट से मिला आधा किलो बाल, 3 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टरों को मिली कामयाबी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.7 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। मराठी लेखक नागनाथ कोतापले का 74 साल की उम्र में हुआ निधन, पुणे के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। अब बीएमसी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का करेगी सौंदर्यकरण। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आया बड़ा अपडेट, 14 रुपए सस्ता होगा तेल, सरकार ने दी जानकारी। सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज आफताब का होगा नार्को टेस्ट, बाहर आएंगे कई बड़े राज। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गुजरात चुनाव परिणामों के बाद जाना होगा वापस, कांग्रेस का बड़ा दावा। विदेशी महिला के साथ हुआ छेड़छाड़, कोरियाई यूट्यूबर महिला के साथ खार में हुआ छेड़छाड़, खार पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों युवक को किया गिरफ्तार। मुंबई की बेस्ट बस में सफर करना होगा और भी सस्ता, चलो ऐप की स्कीम में दैनिक टिकट की तुलना में न्यूनतम 20% और अधिकतम 34% की मिलेगी छूट। बीएमसी इलेक्शन में होगी देरी, 20 दिसंबर तक आगे नहीं बढ़ाएंगे बीएमसी वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शुरू होगा श्रमिकों के लिए घरकुल योजना, उत्तर प्रदेश के श्रम रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने महाराष्ट्र सरकार की श्रम कल्याण योजना की सराहना। इस साल का आखिरी महीना दिसंबर हुआ शुरू, दिसंबर में 13 दिन बैंक रहेंगे बंद, आरबीआई द्वारा जारी अवकाश सूची से मिली जानकारी। मेट्रो लाइन 3 का 100% टर्निंग का काम हुआ पूरा, एमएमआरसी ने दी जानकारी। नालों से सोलाल एनर्जी बनाएगी बीएमसी, बदबू भी हो जाएगी दूर, 6 साल पुराने प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। महाराष्ट्र में बढ़ा खसरे का प्रकोप, 34 इलाकों में बढ़ा खतरा, कोरोना से 5 गुना ज्यादा गति से फैल रहा है खसरा। मुंबई में फिर बढ़े सोने चांदी के दाम, सोना 52,970 रुपए तोला तो वहीं चांदी 61,400 रुपए प्रति किलो। महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के खिलाफ शिवसेना के विरोध प्रदर्शन के लिए कैंप कॉर्नर पर पुलिस की तैनाती, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा फोर्स की गई व्यवस्था। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा अपमान कौन करेगा, यह देखने के लिए मंत्रियों में होड़, संजय राउत का बड़ा बयान। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में, छत्रपति शिवाजी पर दिए गए बयान का हो रहा है विरोध। जोगेश्वरी से आई बड़ी खबर, संपत्ति विवाद में करना चाहता था पत्नी की हत्या, बीच में आई साली तो उसे भी काट डाला।